हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस सीरीज के सातवें वीडियो में। अब तक हमने जनरल रिलेटिविटी क्या है और इसकी कहानी के बारे में जाना, बट ये निश्चित करने के लिए कि आइंस्टाइन और उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या सच में सही है, हमने किसी ब्लैक होल की खतरनाक ग्रेविटी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम इसे यहीं पर हमारे प्रिय ग्रह पृथ्वी पर भी टेस्ट कर सकते हैं और बिल्कुल यही हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने ब्लैक होल्स के बारे में जाना था। ब्लैक होल स्पेस टाइम में एक ऐसा इलाका है जहां स्पेस टाइम में इंटेंस डिफॉर्मेशन यानी स्ट्रॉन्ग कर्वेचर होता है। इस पावरफुल कर्वेचर की वजह से ग्रेविटी के स्ट्रेंथ में बहुत भारी बदलाव कुछ ही नैनोमीटर्स में आने लगता है और इससे चीजों को एक ऐसा बल महसूस होने लगता है जिसकी वजह से उनके आकार में बदलाव आता है। इस फिनोमेनन को हम स्पेगेटिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि चीजें ब्लैक होल की ग्रेविटी के चपेट में आकर स्पेगेटी यानी सेवैया जैसी बन जाती है। बट फ्रेंड्स, सिर्फ ब्लैक होल्स ही ऐसे फोर्स एग्जर्ट नहीं करते जिससे स्पेगेटिफिकेशन होता है। दूसरे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि अर्थ, मून और सन भी ऐसा करते हैं। हालांकि ये इफेक्ट इन सिचुएशंस में बहुत वीक होता है, लेकिन फिर भी इस वीक इफेक्ट की ही वजह से एक ऐसी घटना होती है जिससे आप सभी परिचित है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स की। मून के वजह से जिस ग्रेविटी का उत्पादन होता है उसका इफेक्ट अर्थ के दोनों साइड में अलग अलग रूप में दिखाई देता है। इसके वजह से अर्थ के फ्रंट पर ग्रेविटी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और वहीं उसके रियर एंड पर वीकेस्ट होती है। ये इफेक्ट अर्थ के दोनों लैटरल साइड्स में लगता है जिसकी वजह से ये अंदर की ओर कंप्रेशन फील करने लगता है। फ्रेंड्स, सर आइज़ैक न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण के वर्णन में एक लॉ दिया था, इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिसके मुताबिक ग्रेविटेशन में बदलाव उसकी दूरी के स्क्वायर के विपरीत रूप में आता है। इस तरह से बदलाव आने की वजह से एक टाइडल फोर्स इंड्यूस हो जाता है जो कुछ और नहीं बल्कि खुद ग्रेविटी है। इस पूरी प्रक्रिया में पृथ्वी को किसी भी तरह ये नहीं पता चलता कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है। अब क्योंकि फ्रेंड्स अर्थ मून की ओर उसकी ग्रेविटी की वजह से फ्री फॉल में है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मून हर पल अर्थ पर गिरने की कोशिश कर रहा है और हर बार एक तरह से चूक जा रहा है। इसके बावजूद अर्थ मून की असमान ग्रेविटी से उत्पन्न हुए टाइडल फोर्सेस को जरूर महसूस करता है। इन्हीं टाइडल फोर्सेस की वजह से अर्थ के फ्रंट और रियर एंड में एक खिंचाव पैदा होता है और यही खिंचाव उसके साइड फेसेस पर भी होता है। ये ओवरऑल अर्थ पर एक कंप्रेशन और इलोंगेशन क्रिएट करती है जिसकी वजह से अर्थ के साइड फेसेस पर हमेशा लो टाइड बनता रहता है। फ्रेंड्स, टाइड के बनने का कारण मून की ग्रेविटी की वजह से ओशंस का अट्रैक्ट होना नहीं है जैसा हमें अक्सर बताया जाता है, बल्कि उसके विपरीत अर्थ के शेप में बदलाव आता है जिससे ऐसा हमें देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, हम इसी घटना को जनरल रिलेटिविटी के मदद से और आसानी से बयान कर सकते हैं। रिलेटिविटी कहता है कि कर्वेचर की वजह से ग्रेविटी का निर्माण होता है। कर्वेचर का सीधा प्रभाव लेंथ के मेजरमेंट पर पड़ता है, जिससे बिल्कुल उसी तरह जैसे ब्लैक होल ने स्पेगेटिफिकेशन में किया था वैसा ही इफेक्ट बट बहुत ही वीक फॉर्म में हमें यहाँ अर्थ पर देखने को मिलता है। अब क्योंकि अर्थ एक सॉलिड शेप का प्लैनेट है और इस वजह से जो शेप इसे स्पेस देती है ये बिल्कुल उसी में ढल जाता है और वहीं ओशंस में मौजूद पानी एक फ्लूइड है और इसीलिए ये अपनी शेप को खुद चूज करती है और इसी वाटर और अर्थ के शेप में बदलाव की वजह से टाइड यानी ज्वार भाटा का निर्माण होता है। सो आइंस्टाइन की थियरी यहाँ पर सक्सेसफुल रही। अब फ्रेंड्स, क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने या सफर पे गए हो और वहाँ किसी तरह आप गुम हो गए हो? जब ऐसा किसी बच्चे के साथ होता है तो वो डर जाता है और ये सोचने लगता है कि वो वापस अपने पेरेंट्स के पास कैसे पहुंच पाएगा। ठीक यही एंट्री होती है जीपीएस की। जीपीएस ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है और जब भी हम गुम हो जाते हैं या किसी अनजान जगह हमें जाना होता है तो हम इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, रिलेटिविटी के बिना जीपीएस कुछ ही दिनों में बेकार हो जाता, क्योंकि हमारे प्लैनेट अर्थ से करीब 20,000 किलोमीटर की दूरी पर 30 से ज्यादा सैटेलाइट्स हर पल ऑर्बिट कर रहे हैं, जिनमें से कई सिर्फ जीपीएस का काम करने के लिए है। इन सभी जीपीएस वाले सैटेलाइट्स में एटॉमिक क्लॉक फिट किया जाता है ताकि वो समय का सही ध्यान बहुत एक्यूरेसी के साथ कर सके। हर वक्त अर्थ को इतने जीपीएस सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं कि दिन के किसी भी पल लगभग 4 सैटेलाइट हर लोकेशन पर अवेलेबल होते हैं। सभी जीपीएस सैटेलाइट हर वक्त अपनी लोकेशन और टाइम ब्रॉडकास्ट करते हैं जो रेडियो वेव्स के जरिए ट्रांसमिट होती है। स्मार्टफोन के सैट नैव या जीपीएस यूनिट में लगा हुआ जीपीएस रिसीवर इस सिग्नल को रिसीव करता है और इसके बाद इस जानकारी की मदद से ट्राइलेट्रेशन की प्रक्रिया स्मार्टफोन के प्रोसेसर में शुरू हो जाती है जो फाइनली हमें हमारी लोकेशन गूगल मैप पर बताती है। फ्रेंड्स, ट्राइलेट्रेशन एक कैलकुलेटिव प्रक्रिया है जिसमें एक स्मार्टफोन कम से कम 3 सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल को इंटरसेप्ट करता है
है। सैटेलाइट्स अर्थ से लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं और इस वजह से उन पर ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और इसीलिए उनमें फिट किए गए एटॉमिक क्लॉक्स की रीडिंग को जनरल रिलेटिविटी के कैलकुलेशन से हमारे स्मार्टफोन के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है ताकि हमारे स्मार्टफोन्स और सैटेलाइट्स की एटॉमिक क्लॉक ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन को भी ध्यान में रखते हुए एक ही रफ्तार से चले। इससे स्मार्टफोन को ये पता चल जाता है कि सैटेलाइट से उस तक पहुंचने में सिग्नल को कितना समय लगा और सैटेलाइट उससे कितने किलोमीटर की दूरी पर है। एग्जैक्टली यही काम स्मार्टफोन दूसरे सैटेलाइट के साथ करता है। सैटेलाइट्स की लोकेशन और उनकी दूरी का अंदाजा हो जाने के बाद स्मार्टफोन सर्कल्स ड्रॉ करने लगता है जिसके सेंटर में कहीं आपकी रियल लोकेशन होती है। जीपीएस का काम करना मॉडर्न मैथमेटिक्स और जनरल रिलेटिविटी के बिना कभी भी संभव नहीं हो पाता क्योंकि समय हर किसी के लिए टाइम डायलेशन की वजह से डिफरेंट होता है। और एक और बार हो गई आइंस्टाइन की भविष्यवाणी सच। अब फ्रेंड्स, 1920 के दशक में हमारे ब्रह्मांड के बारे में एक सबसे आश्चर्यजनक बात सामने आई थी जब कई वैज्ञानिकों ने मिलकर एक अजीब से आइडिया को साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने रखा और ये आइडिया था कि समय के साथ स्पेस का भी फंडामेंटल रूप बदल सकता है। और फ्रेंड्स, ये कोई कल्पना का विषय नहीं था बल्कि इसका समर्थन वैज्ञानिकों द्वारा कलेक्टेड डेटा कर रहे थे। एडविन हबल ने ये खुद ऑब्जर्व किया था कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से कुछ लाइट ईयर्स दूर एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे पहले माना जाता था एक नेब्यूला है, उसे दूर जाते हुए देखा गया था। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ने भी बिल्कुल यही भविष्यवाणी 2 साल बाद 1922 में की थी क्योंकि लोगों की धारणा उस वक्त कुछ ऐसी थी जो खुद आइंस्टाइन हजम नहीं कर पा रहे थे कि हमारे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था। इसीलिए उन्होंने अपने इक्वेशंस में खुद ही हेर फेर कर दिया और इस प्रेडिक्शन को हटा दिया। और फिर 1930 में जो एडविन हबल ने देखा उसने सभी के होश उड़ा दिए। जहाँ स्पेशल रिलेटिविटी कहती है कि कोई भी चीज रोशनी की गति से तेज नहीं चल सकती, वही यूनिवर्स रोशनी से कई गुना तेज गति से फैल रहा था और इस ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। खुद आइंस्टाइन भी इस बात से दुखी थे कि वो एक नोबेल प्राइज जीतने वाले आइडिया से हाथ धो बैठे। फ्रेंड्स, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज उनके क्वांटम फिजिक्स के रिसर्च के लिए मिला था और ना कि उनकी जीनियस थियरी रिलेटिविटी के लिए। और अगर उन्होंने ये भविष्यवाणी खुद की होती तो शायद उन्हें 2 नोबेल प्राइज से भी नवाजा जाता। और अब फ्रेंड्स, स्पेस जैसे एक्सपैंड कर रहा है वो कोई नॉर्मल एक्सपेंशन नहीं है। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हमें ये महसूस नहीं होता कि ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन अगर हम किसी भी 2 गैलेक्सी के बीच की दूरी को एक स्केल की मदद से मेजर करेंगे तो ये लगेगा कि स्केल के मुताबिक दूरियां बढ़ ही नहीं रही है। लेकिन ये एक छलावा होगा क्योंकि ना सिर्फ स्पेस बल्कि साथ में स्केल भी एक्सपैंड होगा। ये एक तरह से फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट की तरह है। जब हम फोटो को जूम करते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगने लगता है कि चीजें एक दूसरे से दूर चली गई है और सब कुछ बहुत बड़ा हो गया है, राइट? ऐसा ही कुछ यूनिवर्स के साथ भी होता है और फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे गैलेक्सी और बाकी चीजों के आकार में कोई भी बदलाव नहीं आता। और इसी स्पेस के प्रॉपर्टी के कारण हमें ऐसा लगता है कि सभी चीजें स्पेस में ट्रैवल कर रही है। यहाँ एक्चुअली कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में नहीं मूव कर रहा है और इसीलिए ये किसी भी तरह से स्पेशल रिलेटिविटी के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। यूनिवर्स के एक्सपेंशन का कारण स्पेस और उसकी प्रॉपर्टी है। जिस तरह से मैटर स्पेस को कर्व करता है और उसी वजह से टाइडल फोर्सेस और ग्रेविटी का इमर्जेंस होता है, बिल्कुल उसी तरह एक दूसरा एनर्जी सोर्स भी यूनिवर्स में मौजूद है जिसकी डेंसिटी में कभी भी कोई बदलाव नहीं आता। इस एनर्जी को हम डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं जो चीजों और स्पेस टाइम पर नेगेटिव प्रेशर लगाती है। अगर आप किसी गैस कंटेनर को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो प्रेशर की वजह से वो आपको रेजिस्ट करने लगता है जिससे उसे कंप्रेस कर पाना कठिन होता चला जाता है। बट फ्रेंड्स, अगर उसी कंटेनर में गैस की जगह डार्क एनर्जी रख दे तो क्या होगा? वेल, डार्क एनर्जी के नेगेटिव प्रेशर की वजह से अगर हम इसे कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें रेजिस्ट करने के बजाय और भी ज्यादा कंप्रेस होना चाहेगी। और वही दूसरी तरफ अगर हम उसी कंटेनर के साइज को बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वही डार्क एनर्जी अब हमारी मदद करने लगेगी और कंटेनर के साथ ही एक्सपैंड होने लगेगी। मानो पॉजिटिव प्रेशर के विपरीत नेगेटिव प्रेशर हर सिचुएशन में मदद करना चाहती है। और कौन कहता है नेगेटिविटी से हमेशा मेहनत बढ़ती ही है? ऐसा ही कुछ यूनिवर्स के
साथ भी होता है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और डार्क एनर्जी इसे और भी ज्यादा एक्सपैंड करने में हेल्प कर रही है। इससे फ्रेंड्स आपको ये आइडिया आ रहा होगा कि अगर किसी तरह से डार्क एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, फिर क्या ब्रह्मांड फैलना बंद कर देगा। वेल फ्रेंड्स, डार्क एनर्जी की वजह से सिर्फ यूनिवर्स की एक्सपेंशन रेट में बढ़ावा आता है। जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक डार्क एनर्जी के एब्सेंस में भी यूनिवर्स एक्सपैंड करेगा, लेकिन थोड़े स्लो रेट से। अगर हम एक ऐसी यूनिवर्स की कल्पना करें जो ना तो एक्सपैंड कर रहा है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट, तो वास्तविकता में कैलकुलेशंस के हिसाब से इस तरह का यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, और इसीलिए एक छोटा सा भी बदलाव जैसे एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन यूनिवर्स के एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को फिर से स्टार्ट कर देगा। और फ्रेंड्स, यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करता, और इसे सिर्फ ग्रैंड स्केल पर ही मेजर किया जा सकता है। स्पेशल रिलेटिविटी की यूनिवर्सल स्पीड लिमिट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक्सेलरेट करने वाले चार्जेस की वजह से लाइट का फॉर्मेशन होता है। जब मैक्सवेल ने पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का वर्णन किया था तो साथ में उन्होंने हमें एक नई तरह की वेव के बारे में बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ठीक उसी तरह जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटी की नई थियरी दी जिसके अनुसार ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ और नहीं बल्कि स्पेस टाइम खुद ही था, इस पर लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या किसी तरह से इस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी वेव बन सकती है। और इस सवाल को सुनने पर आइंस्टाइन का जो इंस्टेंट जवाब था वो था, नहीं, शायद ऐसा नहीं हो सकता। फिर थोड़ा विचार करने के बाद आइंस्टाइन इस निष्कर्ष पर आ गए कि ग्रेविटेशनल वेव थियोरेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। स्पेस में जब भी कोई भी चीज मूव करती है या स्पेस टाइम की कर्वेचर में कुछ भी बदलाव आता है तो वो एक रिपल की तरह स्पेस टाइम में फ्लो करती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। ग्रेविटेशनल वेव के एग्जिस्ट करने का कारण ही यूनिवर्सल स्पीड लिमिट है। ये वेव स्पेस के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के रूप में चलती है, और जिसके वजह से स्पेस में किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तब तक बदलती रहती है जब तक ग्रेविटेशनल वेव ट्रैवल करती है। ग्रेविटेशनल वेव के इस प्रॉपर्टी का फायदा उठाकर कुछ साल पहले 2017 में LIGO यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ने ग्रेविटी वेव को पहली बार डिटेक्ट किया था, और इस वेव का जन्म दो सुपर मैसिव ब्लैक होल के कोलिशन के वजह से हुआ था, और हम इसे लेबोरेटरी में मेजर कर पाए थे। और फ्रेंड्स, इसीलिए ऐसी कोई भी बड़ी घटना नहीं थी जिसे आइंस्टाइन की थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, सिवाय दो प्रश्नों के कि ब्रह्मांड के जन्म से पहले क्या था और ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद क्या होता है। इसके लिए हमें एक ऐसी थियरी की जरूरत थी जो ब्रह्मांड को एक कण से ब्लैक होल्स तक एक्सप्लेन कर सकती है और इसके बारीक से बारीक रहस्यों का पर्दाफाश कर सकती है। और इसीलिए आइंस्टाइन